गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली चिकन की रेसिपी। और चिकन बना रहे हैं मेरे पापा। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है प्याज। प्याज को छील लीजिए और काट लीजिए। इधर हमारा चिकन है, ये चिकन लगभग हाफ के जी है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। आज हम बनाने जा रहे हैं यम्मी चिकन। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे ऑयल गर्म। आप जिस ऑयल खाते हैं, खाना पसंद करते हैं, उसे डालिए। हमने डाला है सरसों तेल और इसमें हमने डाला है 3 बड़े साइज का प्याज। अब इसे हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। दूसरे साइड हम लेंगे चिकन और इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। अब प्याज डालिए और इसे भूनिए। अब इसे भूनेंगे तो ये रेसिपी जो है बना रहे हैं मेरे फादर। हमारा चिकन जो है लाइटली ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट और फ्राई करेंगे थोड़े देर के लिए। अब हम ऐड करेंगे इसमें कुछ मसाले। तो मसाले में हमने लिया है 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच लिया हमने काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर जो है ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, ज़्यादा या कम। और मसाले भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, जितना ग्रेवी आपको बनाना है उसके हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे जो है ऑयल सेपरेट होने तक इसे भूनेंगे। अब हमने इसमें जो है एक छोटे साइज का टमाटर डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने इसमें डाला है टमाटर और आप मसाले देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसका जो है ऑयल जो है किनारे आ गया है, सेपरेट हो चुका है। आप अगर आपको थोड़ा सूखा टाइप का चिकन पसंद है तो आप इसमें हल्का हल्का सा पानी डालकर ढक कर इसे कुछ देर के लिए पकाएं और इसे इसी तरीके से सर्व कर सकते हैं। या फिर आपको ज़्यादा मुलायम पसंद है थोड़ा, तो आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो आप इसे इसमें ढेर सारा पानी डालिए, जैसे कि 1 ग्लास या 1.5 ग्लास के आसपास, और इसे जो है मीडियम आंच पर जब तक गाढ़ी ग्रेवी ना हो जाए तब तक पकाइए। या फिर आप दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा पानी डालिए, जैसे कि 1/2 ग्लास, और इसे कुकर में 2 सीटी लगने तक पकाएं और ये जो है खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो हम चूज कर रहे हैं इस बार दूसरा ऑप्शन, यानी हम इसे पकाएंगे कुकर में। गाइस, ये देखिए चिकन को जो है हमने कुकर में शिफ्ट कर दिया है और इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल कम सा पानी है, 1/2 ग्लास पानी हमने डाला है। इसमें डालेंगे धनिया की पत्तियां और 4 सीटी लगाएंगे ताकि जो है ठंड का दिन है, ठंड में जो है धनिया की पत्तियां काफ़ी सस्ती मिलती है। इसमें हम डालेंगे ढेर सारी धनिया की पत्तियां और हमारा चिकन देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो
थोड़ा सा धनिया की पत्ती जो है हम रख लेते हैं, इसको गार्निशिंग करेंगे अंत में जब ये पूरा पक जाएगा। अब हम लगाएंगे इसका ढक्कन और इसमें दिलाएंगे चार सीटी, ज़्यादा नहीं दिलाएंगे क्योंकि ये मटन जैसा कठोर नहीं है, ये चिकन है। ये देखिए, वाओ चलिए इसे में बनाया जाए।